Als na poti chamo konda alvis kicham onatali atek na poti mi abe sakova bishe monatali ani na na ni ni na o tani na ni na ni na o. स्वागत है गाइस एक और निकमाल की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पबजी मोबाइल लाइट में आप विदाउट वीपीएन कैसे कर सकते हो। और टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रिक होने वाली है विदाउट वीपीएन पे। तो आपको काफ़ी सारी ट्रिक ऑलरेडी पता ही होंगी, बट मैं आपको एकदम यूनिक ट्रिक बताऊँगा जिससे आप काफ़ी ईजिली विदाउट वीपीएन खेल पाएंगे। और मेरे पास बेसिकली दो तीन ट्रिक है, बट आप चाहे तो इसमें से अप्लाई कर सकते हो। मैं बता भी दूंगा, लास्ट में एक दो ट्रिक और बता दूंगा जो आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। और काफ़ी लोग मेरे वीपीएन के बारे में पूछते रहते हैं। तो देखो, मैं कभी कभी एक्सप्रेस वीपीएन यूज़ करता हूँ और कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ टैप बूस्टर। तो मेरा कोई फिक्स नहीं रहता, बट मैं दोनों में से ये दोनों यूज़ कर लेता हूँ। तो इससे पहले आप वीडियो पर पहली बार हो, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो, तो नीचे सब्सक्राइब कर लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, जल्दी जाकर दबा दो और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दो जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो देखो, विदाउट वीपीएन खेलने के लिए आपको एक बार वीपीएन लगाना पड़ेगा और बाद में ही आप विदाउट वीपीएन खेल पाएंगे। अभी कोई ऐसा टेक्निक नहीं मिला है। पबजी मोबाइल में क्या होता है कि पबजी मोबाइल आप ऑफिशियल वेबसाइट में डाउनलोड कर लेते हो ऐप को, तो बाद में वो विदाउट वीपीएन चलने लगता है। तो ये खुद मैं पबजी मोबाइल में खेलता हूँ विदाउट वीपीएन। तो पबजी लाइट में बट ऐसा नहीं होता है। पबजी लाइट में कैसा है सीन है कि आपको विदाउट वीपीएन के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सुबह 6 बजे आप करते हो तो वीडियो वीपीएन चल जाता है। ये बात मैंने नोटिस की है कि आप सुबह 6 बजे ट्राई करना है मेरी बात, कि सुबह 6 बजे से पहले गेम स्टार्ट कर लेना तो विदाउट वीपीएन चल जाता है। काफ़ी बार मैंने ये बात नोटिस की है, मेरा जियो का सिम है और मैं ये बात ट्राई कर चुका हूँ और काफ़ी बार मेरा विदाउट वीपीएन चल गया है। तो देखो, ये ट्रिक अप्लाई कर लेना, विदाउट वीपीएन ही गेम स्टार्ट कर देना तो विदाउट वीपीएन आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। आप लक अच्छा रहा तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो अब सेकंड टेक्निक की बात करते हैं जो आपको यूज़ करनी है। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने ऐप सेटिंग में आ जाना है सबसे पहले और अपना जो पबजी मोबाइल लाइट है उसका क्लियर कैच कर देना है। यहाँ पर क्लियर कैच करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वीपीएन लगा लेना। देखो, मैंने वीपीएन नहीं लगाया था, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्वर रेस्टिकेटेड एरिया एरर आता है मेरा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपका एरर देखो, मेरा वीपीएन कनेक्ट ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपको मैं यूज़ कर रहा हूँ एक्सप्रेस वीपीएन विथ मलेशिया सर्वर। आप चाहे तो कौन सा भी सर्वर यूज़ कर सकते हो भाई लोग। मैंने ऑलरेडी वीपीएन के बारे में काफ़ी सारी वीडियो बना के रखी है, बट शायद मैंने हटा दी होगी। बट आप एक्सप्रेस वीपीएन मतलब गूगल क्रोम पे सर्च करोगे एक्सप्रेस वीपीएन, तो आपको काफ़ी इजीली वहाँ से मोड एपीकेशन और सब मिल जाएगा। तो आप काफ़ी इजीली वहाँ से डाउनलोड करके इन्जॉय कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो गेम स्टार्ट करने के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा पिंग कितना आ रहा है। तो बेसिकली हम सबसे पहले वही देखते हैं। तो देखते हैं हमारा पिंग यहाँ पर 120 दिखा रहा है, तो नॉर्मल पिंग ही है एक्सप्रेस वीपीएन में, मतलब अच्छा पिंग आ रहा है यहाँ पर। तो देखो, काफ़ी इजीली 120 पिंग देखने को मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सोलो में गेम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टेक्निक को अपना कर लेके आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती है। तो देखो, यहाँ पर सोलो में जैसे मैचिंग हो जाता है तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा मैचिंग हो चुका है सोलो में। तो मैंने इतना बात कर दिया था क्योंकि थोड़ा टाइम लग गया था, 10-15 सेकंड ज़्यादा लग गए थे। तो जैसे हमारा मैच स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है भाई लोग, देखो आप चाहे तो यहाँ पर एक और कर सकते, एरोप्लेन मोड में भी डाल सकते हो, बट नहीं भाई लोग, आपको क्या करना है, गेम पूरा हटा देना है यहाँ से। और पूरा हटा देने के बाद आपको क्या करना है, गेम में आ जाना है, वीपीएन ऐसे कनेक्ट नहीं देना है, अभी भी वीपीएन डिसकनेक्ट नहीं करना है यहाँ पर। तो गेम जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो काफ़ी जल्दी यहाँ पर आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो गेम स्टार्ट होने के बाद आपको वेट करना है, जैसे आप एंटर आएंगे तो एंटर मैच अगेन जैसे ऑप्शन आता है तब तक आपको वेट कर लेना है। तो देखो, हमारा वीपीएन ऊपर कनेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इजीली, तो वीपीएन कनेक्ट है यहाँ पर। तो जैसे गेम वेम रिलोड होता है पूरा लोड होने देना है, और जैसे एरर एक एरर आता है ना एंटर मैच अगेन, तो जैसे एंटर मैच अगेन आता है तभी जाके आपको वीपीएन डिसकनेक्ट करना है। तो ये वाला टेक्निक से आप काफ़ी इजीली विदाउट वीपीएन खेल पाएंगे। और जिन बंदों में विदाउट वीपीएन टेक्निक वर्क ही नहीं करता, तो ये वाला 100% ये टेक्निक 100% वर्क करेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि ये टेक्निक 100% वर्क करेगा। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, वीपीएन को मारना है डिसकनेक्ट और वापस आ जाना है गेम में, और गेम को इंटर मैच अगर लिखाऊंगा तो उसके ऊपर क्लिक करोगे ओके के ऊपर तो डायरेक्ट मैच में चले जाओगे। एरर आएगा तो उसको इग्नोर मारना है क्योंकि ये एरर ऑटोमेटिकली चला जाएगा।
तो और काफ़ी इजीली आप यहाँ पर विदाउट वीपीएन खेल पाओगे। तो विदाउट वीपीएन मेरा गेम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया पिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो इस टेक्निक से आप काफ़ी इजीली विदाउट वीपीएन खेल पाओगे। और देखो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आप लोगों से, मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ टैप बूस्टर यूज़ करता हूँ। और टैप बूस्टर का लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप मेरे को वहाँ से मतलब चाहे तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से डाउनलोड करना है तो कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक दे दिया मैंने वहाँ पर, कोई एड वेड नहीं है, तो काफ़ी इजीली आप टैप बूस्टर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार एरोप्लेन में भी लॉबी में डाल के देखना है, और विदाउट वीपीएन चलना है तो आपका चल जाएगा, बट चलना है तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो विदाउट वीपीएन चलना है तो चल जाएगा यहाँ पर। तो आज के वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।